चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अंतिम सांस ली है। उनकी अंतिम सांस यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों के पोषक योद्धा सन्यासी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने करोड़ों भक्तों को सन्यास मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, ऐसे परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज अब ब्रह्मलीन हो गए हैं। सीएम ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ध्वजवाहक हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों के पोषक योद्धा सन्यासी, जिन्होंने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी और जिन्होंने करोड़ों करोड़ भक्तों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, ऐसे परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज अब ब्रह्मलीन हो गए। अभी पिछले दिनों ही 99 वर्ष पूरे किए, 100वें वर्ष में प्रवेश किया था। 9 वर्ष की आयु में ही जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, जिन्होंने संपूर्ण जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया, ऐसे अद्भुत संत, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं।